वेलकम बैक टू द वैष्णवी पाठशाला। वैष्णवी पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम 1538 पे आ गए हैं, गार्सियो द नारोना। आज हम पुर्तगाली साम्राज्य को पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बने रहिए हमारे साथ, लगे रहिए, हम पूरा लेक्चर यूँ ख़त्म करेंगे, ठीक है? चलिए फिर शुरू करते हैं। गार्सियो द नारोना 1538 में गवर्नर जनरल का पद इसको प्राप्त हुआ, और ये भी एक मुख्य गवर्नर जनरल था पुर्तगालियों के साम्राज्य का। इसने दमन, सॉलसेट, चोल, बम्बई, सेंट थॉमस, जिसको थॉमस भी कहीं कहीं आपको पुस्तकों में थॉमस भी इसमें लिखने को देखने को मिलेगा, थॉमस, मद्रास, हुगली, सारे साम्राज्यों को जीत रखा था और सारे साम्राज्यों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, ठीक है? गार्सियो द नारोना। इसके बाद इसने सीलोन के कुछ भागों पर भी अधिकार कर लिया था, सीलोन जिसको हम आधुनिक काल में श्रीलंका के नाम से जानते हैं, ठीक है? श्रीलंका के भी अधिकांश भागों पर इसने राज किया था। इसके बाद 1559 में इसने दमन को भी जीत लिया, ठीक है? दीव को तो जीता था, दीव को किसने जीता था? निनोडी कोना ने। इसके बाद दमन को, जो दमन का हिस्सा बचा था, इसने 1559 में इसको जीत लिया। अब देखिए, इतना सारा साम्राज्य इन्होंने बना लिया था 50 साल के अंदर अंदर, मतलब 50 साल या 50 साल प्लस के अंतर अंतर इतना साम्राज्य इन्होंने भारत में इकट्ठा कर लिया था कि दूसरी शक्तियां आने से यहां पर डरती थी, क्योंकि सागर को सागर का स्वामी अपने आप को बताया था। सागर पर नए नए कर लगाते थे, जिसमें से ये कॉर्टेज आर्मेडा एक कर आता था। कॉर्टेज आर्मेडा के तहत क्या था कि अगर मान लो कि आपको हिंद महासागर को पार करना है, तो आपको कॉर्टेज यानी कि परमिट की आवश्यकता पड़ती थी। वो परमिट यहाँ तक कि मुगल सम्राट को भी लेना पड़ता था, कोई भी उससे छूटता नहीं था, है? और आर्मेडा की व्यवस्था के अंतर्गत आता था, तो कॉर्टेज आर्मेडा इसको पूरा नाम दिया गया था, ठीक है? इसमें क्या होता था, अगर मान लो कि कोई जहाज इनके हिंद महासागर से अगर पार होना चाहता है, वो चाहे इंडिया का जहाज हो या दूसरे देश का जहाज हो, अगर पार होना चाहता है, उसके रास्ते जाना चाहता है, तो आपको इस व्यवस्था के अंतर्गत पुर्तगाली रक्षा देंगे, पुर्तगाली आपके बेड़े के साथ साथ चलेंगे, ठीक है? और साथ में आपको परमिट की आवश्यकता पड़ती थी, यानी कि कॉर्टेज आर्मेडा के तहत इन्होंने हिंद महासागर पर पूरा साम्राज्य स्थापित कर रखा था। कुल मिलाकर के सागर का स्वामी अपने आप को मानते थे, तो सागर का स्वामी मानते थे, इतने सारे राज्य स्थापित कर लिए थे, सीलोन जो दूसरा देश पड़ता था उस पर भी अधिकार कर लिया था, भारत के अधिकांश हिस्सों पर इन्होंने अधिकार कर लिया था, 50+ इन्होंने दुर्ग बना रखे थे, 50+ दुर्ग थे, और 100+ जहाजी बेड़े थे। मतलब इतनी सारी शक्ति होने के बावजूद भी ये अपने साम्राज्य की रक्षा नहीं कर पाए। उसका एक मुख्य कारण था, इन्होंने क्या किया, 1580 में पुर्तगालियों ने स्पेन के साथ एक समझौता कर लिया। स्पेन के साथ समझौता करना ही इनकी हार का सबसे मुख्य कारण रहा, ठीक है? बस यहीं से इनकी हार का सिलसिला चालू हो गया था। फिर 1580 में जब स्पेन के साथ इन्होंने समझौता किया, तो स्पेन के साथ समझौता करने से क्या हुआ कि इसके साथ साथ उसके जो पास के लोग थे, यानी कि नीदरलैंड के लोग थे, हॉलैंड के लोग थे, जिनको हम डच कहते थे, इन्होंने 1596 में एंट्री मारी, 1596 में एंट्री मारी। अब 1596 में एंट्री मार रहे हैं, तो उसी के साथ 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्रिएट हो रही है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी वहाँ पर तैयार हो रही है यूरोप में, और 1596 में डचों ने एंट्री मारी है। अब देखिए, जो अरब सागर का राज्य था, वो मोस्टली पुर्तगालियों के साम्राज्य में आता था, तो डचों ने क्या किया, सीधा सबसे पहले गए इंडोनेशिया, मसाला द्वीप पर इन्होंने अधिकार किया। मसाला द्वीप के बाद ये भारत पर इन्होंने एंट्री मारी। तो भारत पर जब इन्होंने एंट्री मारी, तो ये देखते क्या है कि पुर्तगालियों ने बहुत बड़ा साम्राज्य अपने आप में बना रखा है, तो पुर्तगालियों पर डचों ने आक्रमण किया, उधर मुगल तो परेशान है ही इनसे, उन्होंने भी आक्रमण किया। फिर इधर महाराष्ट्र के जो मराठा साम्राज्य आता था, इन्होंने भी उस पर धीरे धीरे आक्रमण बोला। अब समय बीतता गया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आ चुकी थी, तो अंग्रेजों ने भी इन पर साम्राज्य करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कुल मिलाकर के अंग्रेज भी इन पर आक्रमण कर रहे हैं, मराठे भी आक्रमण कर रहे हैं, पुर्तगाल भी आक्रमण कर रहे हैं, और डच भी आक्रमण कर रहे हैं। तो बेचारे ये क्या करें, ये पूरी तरीके से हार चुके थे।
धीरे धीरे अपना ये साम्राज्य खोने लगे। जैसे कि 1641 में इन्होंने मलक्का को खोया, 1650 में श्रीलंका को खोया, और 1663 में मालाबार के सभी दुर्ग ये अपने हार गए। इसके बाद अंग्रेज़ों ने इनको 1612 में हराया, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये हारते चले गए, ठीक है, हारते चले गए। और तब इनके दिमाग में ये विचार आया कि यार हम तो अकेले पड़ रहे हैं, ऐसा करते हैं किसी प्रकार से अपने देश के यानी कि पुर्तगाल का संबंध अगर हम अंग्रेज़ों से अच्छा बना लें, पुर्तगालियों का संबंध अगर हम अंग्रेज़ों से अच्छा बना लें, तो हो सकता है कि हम भारत में टिके रहें और व्यापार कर सकें। तो इसी के लिए इन्होंने क्या किया, 1661 में ब्रिटिश साम्राज्य के राजा थे चार्ल्स द्वितीय को एक फरमान भेजा। उस फरमान के अकॉर्डिंग इन्होंने ये उनसे आज्ञा की कि हम अपनी पुर्तगाली की जो रानी है कैथरीन म्यो, उसका विवाह करना चाहते हैं आपके पुत्र चार्ल्स द्वितीय से। तो इन्होंने ये एक ट्रंप कार्ड फेंका था कि हो सकता है कि ये ट्रंप कार्ड सही साबित हो जाए। तो अंग्रेज़ों ने मान लिया, तो चार्ल्स द्वितीय का विवाह कैथरीन म्यो से हो गया। अब कैथरीन म्यो से होने के साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों ने यहीं पर बम्बई को दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दिया था। अब दहेज के रूप में दिया, इनकी बाप की जागीर थी ना, इसीलिए दहेज में दे दिया, ठीक है, उस समय इनकी जागीर थी। तो बम्बई को इन्होंने क्या किया, चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, अंग्रेज़ों को दहेज के रूप में प्रदान किया जब चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन म्यो की कैथरीन म्यो का विवाह हुआ। लेकिन इनका ये ट्रंप कार्ड फेंका हुआ पुर्तगालियों का गलत साबित हो गया, ठीक है। अंग्रेज़ फिर भी नहीं माने, क्योंकि भाई वो व्यापार करने आए थे, आप कितना भी उनसे संबंध स्थापित कर लीजिए, पर व्यापार कहते हैं ना कि व्यापारी जो होता है वो किसी का सगा नहीं होता है, वो किसी से व्यवहार नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो व्यवहार करेगा तो वो खाएगा क्या, कमाएगा क्या, ठीक है। तो अंग्रेज़ इस प्रकार पुर्तगालियों के साथ, मराठों के साथ और मुग़लों के साथ, डचों के साथ कुल मिला करके मिल गए और पुर्तगालियों को यहाँ से भगाने में सफल हुए, ठीक। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये हमारा पुर्तगालियों का जो सेक्शन है ये समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। अब हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और जापान, भारत जापान के बीच में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो भारत जापान के बीच में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि बिजनेस जो व्यापार है, उसका श्रेय किसको जाता है, पुर्तगालियों को। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट फिट करते हैं, पुर्तगालियों को ये जाता है श्रेय, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि जैसे कि पुर्तगाली मध्य अमेरिका से, ये पुर्तगाली जो मध्य अमेरिका से तंबाकू की खेती, आलू, मक्का, ये सारी जितनी चीज़ थी वो भारत लाए थे, तो पुर्तगालियों को तंबाकू का श्रेय, तंबाकू, आलू और मक्का, इन तीन फसलों का श्रेय भी जाता है, ठीक है। इसके बाद प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा की गई है, ठीक। प्रिंटिंग प्रेस ध्यान रखिएगा, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई, यानी कि छपाई की शुरुआत भी सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा की गई। इसके बाद अनानास हुआ, पपीता हुआ, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची, संतरा, ये सारी जितनी भी देने हैं सब पुर्तगालियों की रही हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, अनानास, अगर आप चाहें तो इसकी नोट्स बना सकते हैं, अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची और संतरा पुर्तगालियों की ही देन है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने इन सेक्शन में जानी है। तो पुर्तगालियों का यहाँ से सेक्शन समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब भारत में किसका राज्य होने जा रहा है, डचों का। 1596 में इन्होंने एंट्री मारी है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने डचों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न कीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी तो हमारे कमेंट्स बॉक्स पर बताइए, हम उस पर ज़रूर गौर करेंगे, ठीक है।
तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो बार बार देखिए, एक बार दो बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात, अगर आप इसका नोट्स बना के पढ़ेंगे तो मैं नहीं मानता हूँ कि आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मैं आपका जीएस का पोर्शन पूरा कंप्लीट कराऊंगा। अगर आपने सपोर्ट भी किया, हमारे चैनल को सपोर्ट किया, तो हम मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास, सारी क्लासें भी यहाँ पर अरेंज करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।